साउथ दिल्ली पुलिस ने 6 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो कि रात के अंधेरे में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों को लूटते थे और मौके से फरार हो जाते थे। ऐसा एक वाकया सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। आपको बता दें, 1 दिसंबर की रात को कुछ लुटेरों ने सरोजिनी नगर थाने क्षेत्र में एक गाड़ी को चाकू की नोक पर रुकवा कर उसको लूट लिया और उसके मालिक को सड़क पर ही फेंक कर मौके से फरार हो गए थे। और ये जो लुटेरे थे, ये पिछले 2 साल से दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे और काफ़ी समय से सक्रिय थे। और जो लुटेरे थे, ये लुटेरे गाड़ियों को लूटते थे, उसके बाद यूपी के बुलंदशहर में जाकर गाड़ियों को बेचा करते थे। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। आपको बता दें, जब दिल्ली पुलिस को पता चला कि जो चोरी की कार है, जब जो लुटेरे हैं कार को लेकर गए हैं, उसके अंदर GPS भी फिट है, दिल्ली पुलिस ने GPS को ट्रेस किया और पता चला जो चोरी की कार है वो यूपी के बुलंदशहर में है। दिल्ली पुलिस ने एक टीम गठित करी, उस टीम को यूपी के बुलंदशहर भेजा गया और ट्रैप लगाकर 4 दिनों तक दिल्ली पुलिस वहाँ पर मौजूद रही और काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो लुटेरे थे वहाँ पर गाड़ी को बेचने आए, उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन लुटेरों को धर दबोचा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कुल 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और एक पिस्टल, एक कार, एक बाइक समेत अन्य सामान को भी बरामद कर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, इन लुटेरों को पकड़ने से अभी तक 13 मामले जो है लूट के पाए हैं। साहिल भामरी, समाचार वार्ता, दिल्ली।